हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दिया था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा इसको, है ना, और आंसर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आया होगा, है ना। एटलीस्ट बहुत सारे चीजों का आंसर आ गया होगा। दो तीन चार मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ताकि आप कहीं अगर मिस कर रहे हैं किसी कंसेप्ट को तो आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले लेट से टेक एन एग्जांपल टेन 750 डिग्री का, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ले लेते हैं, है ना, बड़ा बड़ा तो यही दिख रहा है, ठीक है। ये तीन कर लेते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। बाकी सब छोटा छोटा है, वो आप लोग कर लोगे। और एक ये कर देंगे, 9th नंबर वाला, 1980 डिग्री, है ना। तो स्टार्ट करूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था पहले, 10 750 डिग्री, है ना। तो बेसिकली हम लोग को जानना है इसको कैसे पाई और या पाई बाय टू के और मल्टीपल में हम लोग लिख सके इसको। तो उसके लिए पहले हम लोग को घूमना पड़ेगा, है ना। इसमें ये जीरो हो गया, ये पाई हो गया, ये फिर से 2π हो गया। अब बताइए 750 डिग्री कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 4π कितना आ जाता है ना। एक रैंडम लेंगे, अब ये नहीं कि पाई भी चेक कर रहे हैं, 2π चेक कर रहे हैं, तो ये सब तो उतना नॉर्मल है ना। 4π जब आप लोग चेक करोगे तो 720 आ गया, अरे देखिए तो बहुत अच्छा आ गया, 4π ही 720 डिग्री आ गया, ठीक है। मुझको मालूम भी था, मैं मजाक कर रहा हूँ। 360 डिग्री 2π होता है, और फिर 360 जोड़ोगे तो 720 4π आ जाएगा। तो इसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 10 720 प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। 720 ना लिख के इसको लिख देना चाहिए 4π, है ना, क्योंकि 720 से हमको आइडिया नहीं मिल पाती, लेकिन 4π से हमको बहुत चीज आइडिया मिल जा रहा है। क्या आइडिया मिल जा रहा है कि आप कहाँ पहुंच गए हो बेसिकली। यहां से घूमते घूमते एक चक्कर मारे 2π हुआ, फिर एक चक्कर मारे 4π हो गया, ठीक है। और प्लस 30 डिग्री, मतलब कुछ यहाँ पे आप पहुंच गए हो, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई का मल्टीपल है तो 10 का क्या रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा, जानते हो, ठीक है। और प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बाबू यहाँ पे तो सब कुछ प्लस ही होता है ना, तो प्लस हो जाएगा। प्लस 10 30 डिग्री कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। तो आई थिंक इसका आंसर 1/√3 ही था, हाँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या सोचा था करने का, कॉसेक 1920 डिग्री, है ना, कॉसेक 1920 डिग्री, कॉसेक 1920 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, इसको कैसे किस फॉर्म में चेंज करें, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर चीक मारना पड़ेगा। अब देख रहे हो 4π 720 आया था, तो 1920 थोड़ा सा लंबा दूर जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं, क्या कर लिया जाए, 10π पे चेक किया जाए, 10π कितना हो जाएगा, पाई बाबू 360 डिग्री होता है, 3600 नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं 6π पे चेक कर लेते हैं, 6π का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 6 × 180 डिग्री, है ना, ये बाबू आता है 1080 डिग्री आ जाता है, ठीक है, चेक कर सकते हो। 7π मेरे पास कैलकुलेटर है, इसे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 7π कितना आ जाएगा देखते हैं, है ना, बेसिकली इसमें 180 डिग्री और जोड़ोगे तो ये आ जा रहा है 1260 डिग्री, है ना, मतलब अभी दूर है, अभी और दूर जाना है। 8π चेक कर लो, तो 8 × 180 डिग्री, है ना, कितना आ जा रहा है ये 1440, बहुत दूर रह जा रहे हैं हम लोग। अच्छा 10π हम लोग फिर यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, देख रहे हो मेरा भी मैथ्स ही गलत हो जा रहा है। 10π कितना हो जा रहा है बाबू, तो देखोगे तो ये 180 जीरो, है ना, 1800 डिग्री, मतलब 10π में कितना जोड़ेंगे तो 1920 आ जाएगा, 1080 में 120 जोड़ेंगे तो देखो 1920 आ गया, ठीक है। लेकिन इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते 10π प्लस 120 डिग्री, है ना, हमको तो प्लस के साथ छोटा नंबर लगना होता है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके बाबू, देखो तो 1800 प्लस 90 प्लस 30 डिग्री ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। और 1800 ये बेसिकली है क्या, 10π है, और 90 डिग्री बेसिकली क्या, पाई बाय 2 है। 10π प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा बता सकते हो, 21π/2, तो बेसिकली ये कितना है, 21π/2 डिवाइड प्लस 30 डिग्री, देख लो इतना नाटक करना पड़ा बस इसके लिए। तो बस लिख देते हैं इसको, कॉसेक 21π/2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है ये, है ना, पाई बाय 2 का जब ऑड मल्टीपल होता है तो चीजें चेंज होती है ना।
तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1/sin, और साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा वो सेक में हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये तो घूमना पड़ेगा, चलो घूमते हैं यहां से, है ना। 10π प्लस 90 प्लस 30 यही है ना, एक चक्कर मारोगे 2π आएगा, दूसरा चक्कर पे 4π आ जाएगा, तीसरे पे 6π, फिर 8π, फिर 10π, मतलब 10π में तुम यहां रहोगे, है ना, ये चीज समझ में आ रहा है। फिर और कितना मारना है, 120 डिग्री, यानी 90 और जोड़ोगे तो यहां पहुंच जाओगे, फिर 30 डिग्री और जोड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे, यहां पे पहुंच जाओगे। तो मतलब तुम इस क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हो। इस क्वाड्रेंट में बता सकते हो कॉसेक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है ना, तो जानते होगे कॉसेक बेसिकली 1/sin है, जब साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बताओ प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखोगे, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है मालूम भी होगा, कॉस 30 का उल्टा है, कॉस 30 √3/2 होता है, तो ये बाबू 2/√3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे आंसर लाना है, एक एग्जांपल में और बोला था करने के लिए, चलो कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कौन सा, कॉस 2280, चलो ठीक है कॉस 2280 कर लेते हैं, कॉस 2280 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर वही काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, घूमना है, है ना, घूमना है। तो देख लो 10π 1800 है और ये 2280 अभी बहुत दूर है, है ना। तो पहले हम लोग लेट से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, रफ में इसको पेन का यूज कर लेते हैं, कितना कर दें 12π, देख लेते हैं कितना होता है 12π, तो ये बाबू 2160 डिग्री आ गया, है ना, सही तुक्का लगा है, नजदीक आ गए हम लोग। अभी कितना दूर है हम लोग इससे, तो 2280 में से 2160 घटा दो, देख लो तो 6 × 2 = 8 हो गया 120, अरे यार हमेशा 120 ही दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 12π प्लस 5/2 प्लस 30 डिग्री, है कि नहीं, 12π प्लस 5/2 प्लस 30 डिग्री। अब तुम ही लोग बताओ 12π प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, 25π/2 हो जाएगा, 25π/2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो 25π/2, ये π/2 का बेसिकली क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉस चेंज होगा, है ना, कॉस चेंज किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री आ गया। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये कैसे पता चलता है बाबू, ये तो घूम के पता चलता है। देखो 12π है, है ना, तो यहाँ पे देखते होगे 0 और 2π 4π 6π 8π 10π 12π में तुम यही पहुंचे, तो मैं डायरेक्ट यही लिख दूं 12π में तुम यहाँ पे हो, फिर 90 चले, फिर 30 चले, 90 में यहाँ पहुंचे, 30 में यहाँ पहुंच गए। अब देखो यहाँ पर कॉस क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। बहुत लोग क्या गलती किए होंगे कि सर साइन है यहाँ पर तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, नहीं, इसको देख के यहाँ प्लस माइनस लिखा जाता है, साइन 30 का वैल्यू तो मालूम ही होगा -1/2, है ना। और ये सब चीज हम लोग क्यों कर पा रहे हैं गोल गोल घूम के, क्योंकि साइन कॉस टेन सब ये सब जो है ना रिपीटिंग फंक्शन है ना, ये सब रिपीट करते हैं, मतलब बहुत सारे वैल्यूज पे एक ही आंसर आते हैं, ठीक है। जैसे कि बाबू y = x², है ना, अगर सिर्फ x को पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव को थोड़ी देर के हटाते हैं, x का अगर अलग वैल्यू रखोगे तो y हमेशा अलग अलग आता रहेगा, लेकिन जब y = sin θ या sin x ले लेते हैं, x यहाँ पे एंगल ही है बेसिकली, तो x के बहुत सारे वैल्यू पे y का सेम ही वैल्यू आता रहेगा, है ना, हम लोग देख रहे हैं ना -1/2 इस पे भी आ गया इतना ही, ठीक है, इस तरह का चीजें होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में का मैं और कहा था, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना 1980 डिग्री, कॉस 1980 डिग्री, माइनस वन आया था इसका आंसर, इसका आंसर सब सही आ रहा है ना, हाँ सही है, कॉस 1980 डिग्री। फिर घूमना है हम लोग को और क्या, है ना, लेकिन अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा 1980 डिग्री है, 12π से कम ही होगा, है ना, या अगर ध्यान से देखा जाए तो 1800 डिग्री में कितना है 180 डिग्री जोड़ेंगे, है ना, 1800 डिग्री आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 1800 डिग्री प्लस 180 डिग्री, अरे ये तो बहुत अच्छा आ गया, है ना, कॉस 1800 डिग्री, 1800 डिग्री मतलब 10π और 180 ये भी पाई है, तो बेसिकली क्या आ गया, कॉस 9π आ गया। अब बताओ कॉस 9π का वैल्यू, यहाँ तो प्लस माइनस थीटा कुछ आया नहीं, और प्लस माइनस थीटा नहीं तो जीरो है, कॉस जीरो तो 1 ही होता है, इसमें टेंशन भी नहीं लेना है,
नाइन पाई, नाइन पाई मतलब तुम कहाँ हो मालूम चल रहा है, नाइन पाई में लिख दिया, बार बार ये गलत हो रहा है, इलेवन पाई होगा ना, कहाँ हो इलेवन पाई में समझ में आ रहा है, टेन पाई में तुम यहाँ थे, इलेवन पाई में तुम कहाँ पहुंच गए हो, यहाँ पहुंच गए हो, इलेवन पाई में तुम यहाँ पर हो अभी। अब मैं बताया था यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, 90 डिग्री पे जीरो होता है, 270 पे भी जीरो होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है माइनस वन होता है, मैं बताया कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, स्टार्टिंग में बताया था है ना, यहाँ वन यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वन यहाँ जीरो, अब बताओ यहाँ पे माइनस वन है तो कॉस 11 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन, देखो यही तो आंसर था, ठीक है, ये चीज याद रख लेना वालू, कॉस जीरो डिग्री हो, 360 डिग्री हो है ना, कुछ भी नहीं मतलब जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, टेन पाई, तो उसका वैल्यू वन आता है, और वही है ना थ्री पाई, फाइव पाई, सेवन पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसका माइनस वन आता है, और पाई बाय टू का कोई भी मल्टीपल हो तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। वही साइन में क्या होता है बाबू, यहाँ जीरो होता है, यहाँ पे भी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे वन हो जाता है साइन में, और यहाँ पे माइनस वन हो जाता है, यानी साइन 270 डिग्री का वैल्यू माइनस वन होता है, ठीक है। तो असाइनमेंट हो गया, डिस्कस हो गया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा ये हो है ना, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ और है ना, तो लेट्स एक एग्जांपल, फिर से इजी एग्जांपल से मैं शुरू कर रहा हूँ, साइन टू पाई बाय थ्री है ना, हमेशा बाबू एंगल में दे, डिग्री में दे, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी पाई के फॉर्म में भी दिया रह सकता है, ठीक है, तो मान लो साइन टू पाई बाय थ्री है, तो फिर इसको कैसे करोगे है ना। अब देखो यहाँ पे पाई के मल्टीपल में या पाई बाय टू के मल्टीपल में लिखना है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीजें सीखो बाबू, पाई माइनस पाई बाय थ्री, एक तो तरीका है बाबू तुम्हारे पास कि टू पाई बाय थ्री को पहले किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में चेंज कर देंगे, जो कि कितना आ जाता है टू पाई बाय थ्री का है ना, डिग्री में चेक कर सकते हो, टू बाय थ्री इंटू 180 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री आ गया। अब साइन 120 डिग्री निकालना आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अब 11th में जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको तो इसी फॉर्म में दिया रहेगा हमेशा, ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। अब देखो ये पाई माइनस पाई बाय थ्री लिखना समझ में आया, 180 माइनस पाई बाय थ्री कितना होता है 60 डिग्री होता है ना, ये सब मैं बता चुका हूँ पहला ही लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के, 180 माइनस 60 120 ही आएगा, ठीक है। अब बताओ ये पाई है तो किसमें साइन चेंज होगा, किसी में नहीं होगा, पाई ही रह जाएगा। अब क्वेश्चन है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, अब देखो पाई में तुम कहाँ थे, यहाँ थे, और माइनस वो मतलब पीछे गए हो, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बाबू, प्लस ही होता है, तो इसका वैल्यू साइन पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री का वैल्यू मतलब कितना हो गया, पाई बाय थ्री क्या है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट थ्री बाय टू, हाँ कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ये चीज। अब इसको तुम चाहते तो पाई बाय टू के फॉर्म में भी लिख सकते थे, 120 को लिख सकते हैं ना, 90 प्लस कितना 30 फॉर्म में लिख सकते हैं है ना, देख लो मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, साइन 90 मतलब पाई बाय टू प्लस 30 मतलब क्या हो जाता है पाई बाय सिक्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब साइन पाई बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स है, पाई बाय टू का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, ऑब्वियसली पाई बाय टू मतलब 90 यहाँ पे हो, पाई बाय टू प्लस मतलब इसमें आए हो है ना, तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस आ जाएगा, कॉस पाई बाय सिक्स कितना होता है बाबू, पाई बाय सिक्स मतलब बेसिकली 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाय टू, ठीक है। अब हम लोग को ऐसे याद रखना है कॉस पाई बाय थ्री का वैल्यू क्या है ना, क्योंकि पाई बाय थ्री मतलब 60, कॉस 60 का वैल्यू सब लोग को मालूम है ना, कॉस पाई बाय थ्री इतना अब एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए है ना, तो ये बार बार देखोगे ना खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 11 पाई बाय 4 इसको कैसे करोगे। अब फिर तुम्हारे पास यही तरीका है कि फिर पाई की जगह सर 180 लिखिए ना प्लीज है ना, फिर उसको चेंज कीजिए डिग्री में, उसमें थोड़ा बहुत फील आ रहा है, तो देखो फील तो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना फीलिंग के साथ, लेकिन हमेशा तो वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा है ना, कभी ना कभी वापस आना है इसमें, इसको भी करने का सोचो। अब देखो कैसे करना है, और ये हमको ज्यादा आसान लगता है क्योंकि उसमें पहले डिग्री में चेंज करो फिर रेडियन में चेंज करो होता था है ना। अब देखो 11 पाई बाय 4 को कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं हो पाएगा है ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 चेक कर सकते हो, 4 दुनी 8 9 पाई बाय 4 अभी भी नहीं पहुंचे, 3 पाई बाय पाई प्लस पाई बाय 4 4 3 12 1 13 ज्यादा हो गया है ना, तो 3 पाई माइनस पाई बाय 4 करके देख लो है ना, क्योंकि पाई बाय 4 आ गया तो समझ में आ रहा है पाई बाय 4 का ही आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा 11, 4 3 जा 12 माइनस 1 11 पाई बाय 4, एलसीएम लेना जान रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है 3 पाई माइनस पाई बाय 4
ठीक है। अब देखो ये पाई का मल्टीपल है तो 10 किस में चेंज होगा, किसी में नहीं, तो 10 ही रह जाएगा, पाई बाय 4 आ गया। अब बात है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देख लो तुम कहां पहुंचे हो, पाई यहां पे होता है, सॉरी जीरो यहां होता है, पाई, टू पाई, थ्री पाई, थ्री पाई तुम यहां पहुंचे, पाई बाय 4 कम है, कम मतलब वापस पीछे चलोगे, तो यहां पे पहुंच गए। यहां पे 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, यहां माइनस, माइनस 10 पाई बाय 4, माइनस 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा अब कैसे इसको लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक और साइन 19 पाई बाय 6 है ना, साइन 19 पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा, अब इसको समझो। फिर वही हीट एंड ट्रायल मेथड से है ना, क्या कहते हैं, देखेंगे कि किसका मल्टीपल आता है, वहां पे भी तो वही कर रहे थे है ना, किसके फॉर्म में आ जा रहा है ये। अब देखो ये जो मैं तरीका लिखा हूं ना यहाँ पे, सिर्फ यही नहीं आएगा, इसको पाई बाय 2 के फॉर्म में भी ला सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 करोगे ना तो यही वैल्यू आएगा, देखना है ना, उस फॉर्म से भी तुम ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लो ना एलसीएम लो तो 10 आ जाएगा, 11 पाई बाय 4 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 19 पाई बाय 6 इसको मैं डायरेक्ट लिखना होगा, अब ये सब तुम लोग ट्रायल कर लो, 3 पाई प्लस पाई बाय 6 ना, 6 12 नहीं, 6 18 और 1 19 पाई बाय 6, ठीक है। फिर 3 पाई है तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रह जाएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, देख लो घूम के, 3 पाई मतलब तुम कहाँ पे हो, 2 पाई 3 पाई यहाँ पे हो, 5 बाय 6 मतलब यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन, साइन यहाँ पे बाबू निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ गया, और साइन पाई बाय 6 मतलब, पाई बाय 6 मतलब जान रहे हो 30 डिग्री होता है, माइनस 1 बाय 2, समझ में आ रहा है ये चीज, तो बस इस तरह का करना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, क्या होगा जब इस फॉर्म में दिया रहेगा, कॉस माइनस 60 इसका क्या वैल्यू होगा, है ना, बड़ा बड़ा तो समझ गया, माइनस में भी अब देख लो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में क्या है, बस थोड़ा सा उल्टा चलना है, बस यही तो होगा। अच्छा कॉस माइनस 60 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 0 पाई माइनस 60 डिग्री, है ना, पाई का याद करो मैं क्या बोला था, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, और इंटीग्रल मल्टीपल में एन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 माइनस पाई माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, इंटीजर जानते हो ना, हाँ, तो ये 0 पाई, अब ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, देखो लग रहा है कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, और जब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता था तो याद है चेंज नहीं होता था फंक्शन, तो कॉस का क्या रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री हो गया। अब बात है यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा बाबू, है ना, तुम गए कहाँ हो देख लो, 0 पाई में तुम यहाँ थे माइनस 60 डिग्री, माइनस मतलब क्या हुआ, इधर घूमते तो पॉजिटिव होता है, उल्टा घूमते तो निगेटिव होता है ना, उल्टा मतलब ये हो जाता है क्लॉक वाइज सेंस, तो तुम यहाँ पहुंच गए। अब इत्तेफाक से देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉस, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 बाय 2, समझ आ गया आंसर। मान लो अगर दूसरा वैल्यू रहता है साइन माइनस 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 0 पाई माइनस 45 डिग्री, ठीक है, फिर घूमना ही नहीं है इसमें तो, है ना, कहां पहुंच गए तुम, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 0 मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। अब यहां पे बताओ साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, यहां पे निगेटिव होता है इसलिए माइनस आ गया, तो इसका आंसर माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल, 10 माइनस 60 डिग्री, इसको भी कैसे लिख सकते हो, 10 0 पाई माइनस 60 डिग्री, 10 का 10 ही रह जाएगा, यहाँ पे 10 क्या हो जाता है बाबू, निगेटिव होता है, माइनस इसका भी आ गया, माइनस रूट 3 आ गया आंसर, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे, जब छोटा छोटा नंबर हो, है ना, तो छोटे छोटे नंबर में हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, और वो क्या सोचेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म में याद रख लेंगे इसको, कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है बाबू, ये कॉस थीटा ही हो जाता है, है ना, देखे देखे ना, यहाँ पे अगर थीटा क्या हो, 0 से 90 के बीच हो तो ये कॉस ही रह जाता है, 0 से 90 के बीच ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और 10 अगर रहता है माइनस थीटा तो वो भी क्या हो जाता है, माइनस 10 थीटा हो जाता है, समझ में आ गया ये चीज। मैं 3 का बता रहा हूं, और 3 का कैसे करोगे वो तुम लोग जानते हो, है ना, कॉसेक का भी माइनस आएगा, सेक का प्लस ही आएगा, और कॉट का माइनस आएगा, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर कर लें क्या, चलो कर लेते हैं, है ना,
साइन 150 डिग्री, नहीं माइनस में करना है ना, साइन माइनस 150 डिग्री एग्जांपल, ठीक है, ये कैसे सॉल्व करोगे साइन माइनस 150 डिग्री। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, है ना, साइन माइनस 150 डिग्री समझ लो, इधर घूमते तो पॉजिटिव होता, उल्टा घूम रहे मतलब 90 पहले इधर गए फिर 60 और इधर गए, है ना, तो यहाँ पे पहुंच चुके हो तुम, है ना, उल्टा माइनस मतलब उल्टा घूमना। मैं बताया था एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को निगेटिव लेते हैं, ये देखो क्लॉकवाइज तुम घूम रहे हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन माइनस 150 को माइनस 90 माइनस 60, यही तो है, माइनस 90 घूमे और माइनस 60 घूमे। अब मैं तुम लोग को बताया हूं कि जब भी 90 का कोई भी है ना ऑड मल्टीपल हो तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस 60 डिग्री हो गया। अब बात है यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो तुम ही बताओ यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन को देखना है, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। ये तो एक बेसिक मेथड हुआ जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। अब मान लो इस फॉर्मूला का यूज करके करना है तो देखते हैं यहाँ सही आता है कि नहीं, है ना, चेक तो करना बनता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड है, ठीक है, तो हर मेथड से चेक कर सकते हो। साइन माइनस 150 डिग्री, है ना, अब देखो याद रखने के लिए ये याद रखो, मैं एक बार चेक करके देख ले रहा हूँ कि सही आता है कि नहीं। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है बाबू, माइनस साइन थीटा हो जाता है, है ना, इसमें हर किसी के लिए फॉलो हो जाता है ना, लेकिन मैं फिर भी नहीं लिखवाऊंगा वो चीज की हर किसी के लिए फॉलो होता है क्योंकि कहीं कहीं है ना दिक्कत होता है थोड़ा सा, मैं तो बोलूंगा कि ये बेसिक स्टेप है यही फॉलो करते रहो। 150 को कैसे लिख सकते हो, 180 माइनस 30 लिख सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं आता होगा, साइन 150 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, 180 माइनस 30, 180 है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, ये माइनस देखो पहले से चला रहा है, यहाँ प्लस माइनस सोचना होगा अभी, 180 मतलब तुम कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे 30 पीछे गए तो यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आ गए, तो ये क्या आ गया माइनस साइन 30 डिग्री यानी माइनस 1/2, है ना, तो देखो सेम ही आ गया, ये भी यूज कर ही सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब साइन कॉस टेन से कॉस से कुछ भी है उसका एंगल का वैल्यू प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो आप लोग निकालना सीख चुके हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसको रिवीजन कर लेना बाबू, मैं फिर से बोल रहा हूँ रिवीजन करके एक दो बार सारे क्वेश्चंस फिर से बनाना तुम लोग, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बाद थोड़ा सा आइडेंटिटीज पढ़ लूंगा, पढ़ा दूंगा मतलब, ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।